तो मैं आपको एक छोटू से आई शेडो पैलेट का एक और कमाल दिखाती हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ स्मोकी आईज। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ ब्लैक आई शेडो से। अब मैं लगा रही हूँ मेबिलीन का फिट मी कंसीलर 20 अपनी आईब्रोज को शेप देने के लिए। अब मैं अपनी आईलिड पर कंसीलर लगा रही हूँ और वेट स्पॉन्ज से कर रही हूँ डैबिंग। आईलिड पर कंसीलर सेट करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मेकअप स्टूडियो का एक्स्ट्रा फाइन लूज पाउडर। अब मैं अपनी आंखों की क्रीज लाइन को डिफाइन करूंगी ट्रांजिशन शेड से। ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइट कलर का ही लेंगे। अब हम वार्म ब्राउन कलर लेंगे और आउटर वी पे अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे उसको ब्लेंड करते हुए पूरे आईलिड पर ब्लेंडिंग करेंगे। ध्यान रहे स्मोकी आईज में ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से की जाती है। ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी तभी सीमलेस स्मोकी आई बनती है। अब अप्लाई करूंगी मैं ब्राउन शेड। ब्राउन शेड अप्लाई करने के बाद मैं अब अच्छे से ब्राउन कलर की भी ब्लेंडिंग करूंगी। अब आते हैं मोका कलर की तरफ। मोका कलर को मैं आउटर वी से अप्लाई करूंगी, देन पूरे आईलिड पर मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। स्मोकी आईज की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से की जाती है। हमने अब तक जितने भी कलर यूज करे हैं उन सभी को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। कोई भी कलर अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। आईलिड के इनर कॉर्नर पर ब्लैक आई शेडो अप्लाई करने के बाद अब मैं अच्छे से ब्लेंडिंग करूंगी। शार्प एजेस ना दिखाई दे इसलिए ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से करते जाएंगे। अपनी आईलिड के आउटर वी पर मोका आई शेडो से डैबिंग करूंगी, इससे और भी अच्छा स्मोकी इफेक्ट आएगा। अब मैं लगा रही हूँ मेकअप स्टूडियो का आई शेडो ग्लू। अब मैं अपनी आई के इनर कॉर्नर को हाफ कट क्रीज का लुक दूंगी और पीच कलर का आई शेडो, ये शिमरी आई शेडो है, इसकी एप्लीकेशन करूंगी। पीच आई शेडो की ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे जिससे वो आउटर वी में मिक्स हो जाए। आई शेडो एप्लीकेशन पूरी होने के बाद अब मैंने अपने अंडर आईज पर लगा लिया है कंसीलर और मेकअप स्टूडियो के एक्स्ट्रा फाइन लूज पाउडर से मैं कर रही हूँ अपने कंसीलर को सेट। आंखों की खूबसूरती है जिसके बिना अधूरी, लगा रही हूँ मेबिलीन का वो काजल। जिस तरह से हमने आई शेडो की एप्लीकेशन आईलिड पर की है उसी तरह से अब हम लोअर लैश लाइन पर आई शेडो की एप्लीकेशन करेंगे जिससे हमारा स्मोकी इफेक्ट बहुत अच्छा होता जाएगा। अब मैं अपनी आंखों की लोअर लैश लाइन पर ब्लैक आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। ब्लैक आई शेडो के बाद अब मैं ले रही हूँ मोका, उसके बाद मैं लूंगी ब्राउन
फिर वार्म ब्राउन कलर। अब मैं अपनी आंखों की इनर लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ पीच कलर का शिमर आई शेडो। अब आते हैं हाइलाइटर की तरफ। आई के इनर कॉर्नर को हाइलाइट करने के बाद अब मैं करूंगी अपनी ब्रो बोन को हाइलाइट। हाइलाइटर और आई शेडो को अब मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी जिससे कि कोई भी शार्प एजेस ना दिखाई दे। दुल्हन की आंखों की खूबसूरती में तभी चार चांद लगते हैं जब उसकी आंखों में लगा हो प्यारा सा विंग आईलाइनर। तो मैं लगा रही हूँ मेबिलीन का आईलाइनर। अपने आईलैशेस को कर्ल करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मेकअप स्टूडियो का 4D मस्कारा। अब मैं अपनी आंखों को दूंगी कंप्लीट ब्राइडल आई लुक यूरोपियन कायरा आईलैशेस के साथ और ये है वेट एंड वाइल्ड का परफेक्ट आई शेडो पैलेट और ये है ब्राइडल आई लुक नंबर 2।